जयपुर में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन और सिविल लाइंस फाटक पर जाने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। राजमहल चौराहे पर ही पुलिस ने लगाए हैं बैरिकेड और सिविल लाइंस पर देंगे ये बीजेपी के नेता गिरफ्तारी। सैकड़ों कार्यकर्ता देंगे गिरफ्तारी और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां बीजेपी का आज प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन देखने को मिल रहा है और सिविल लाइंस फाटक पर जाने का ये जो बीजेपी कार्यकर्ता है ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं, बैरिकेड्स यहां पहले से ही लगा दी गई हैं और लगातार इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कर्ज माफी के जो ऐलान किया गया था कांग्रेस की तरफ से, उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश भर में ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। खासतौर से अगर हम जयपुर की बात करें तो वहां आप देख सकते हैं कि सिविल लाइंस फाटक पर जाने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, जिनको फिलहाल वहां रोक दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ऐश्वर्य प्रधान, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें फिलहाल हम अपने देख रहे हैं, यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर मौजूद है भारी संख्या में। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कि राजमहल चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेड्स पहले ही लगा दिए थे, लेकिन सिविल लाइंस फाटक पर ये जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां जाकर इन नेताओं की तरफ से गिरफ्तारी दी जाएगी। तो एक तरफ कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी के शिविर लगाए हैं, लेकिन अब इस पर राजनीति भी देखी जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी एक बार फिर से ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि भले ही प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे हो कि कहीं कोई स्थिति ना बिगड़े, लेकिन फिर भी बैरिकेड्स के ऊपर भी चढ़ गए हैं इस वक्त ये बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड से तोड़कर जयमहल पैलेस, राजमहल पैलेस पर जो बैरिकेड थे उन्हें तोड़कर सीधे सिविल लाइन फाटक पहुंचे और यहां आकर इन्होंने गिरफ्तारी दी है। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने सबसे पहले गिरफ्तारी दी है। मेरे कैमरा साथी रामनिवास जो है वो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मदनलाल सैनी के अलावा अरुण चतुर्वेदी, अशोक परदामी और तमाम अन्य नेता, जिनमें की सांसद रामचरण बोरा, इन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। तमाम लोग जो है वो बसों में बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता बसों में पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले जा रही है और पुलिस ने यहां से इनकी रवानगी कर दी है और लगभग 10 से 12 की संख्या में बसें मंगवाई गई है, जिनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में बखूबी देख पा रहे हैं, जो मेरे कैमरा साथी दिखा रहे हैं, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब उग्र दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर इनकी डिमांड है कि 99,000 करोड़ का कर्ज माफ करना था और 1500 करोड़ का कर्ज माफ किया है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस सरकार पर ये लोग लगा रहे हैं और इनका कहना है कि सवर्ण आरक्षण अभी तक लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे भी लागू नहीं किया गया है। इस तरीके के कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए यहां आए थे और पहली बस जो है वो रवाना हो चुकी है। नया अपडेट यही है, पहली बस जो है वो पूरी भर चुकी है। जयपुर डिपो की राजस्थान रोडवेज की बस मंगवाई गई थी और वो पूरी भर चुकी है। दूसरी बस में कार्यकर्ता बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो होड़ है वो ये है कि नेताओं के साथ ही बस में गिरफ्तारी दी जाए। तो अब गिरफ्तार होकर थोड़ी देर बाद ये तमाम लोग पहुंचेंगे। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, और अंजू मिश्रा जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में फ्रैक्चर तक हो गया है, ये भी खबर। जी बिल्कुल, जैसे ही बैरिकेडिंग पर अंजू मिश्रा जो है वो चढ़ चुकी थी, ऊपर चढ़ चुकी थी और स्वाभाविक तौर पर कोई भी कार्यकर्ता होता है वो सोचता है कि वो सबसे पहले आगे पहुंचे किसी भी आंदोलन में, तो वो महिलाओं की तरफ से वो पैरवी करने के लिए आगे पहुंची थी। लेकिन अन्य जो कार्यकर्ता है, पुलिस और प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि वो गिरे नहीं, लेकिन अन्य कार्यकर्ताओं ने भी जोश में उस बैरिकेडिंग को जब धक्का दिया तो अंजू मिश्रा गिर गई और गिर के उनके हाथ में फ्रैक्चर आया। तो अन्य जो कार्यकर्ता है, अन्य कार्यकर्ता जो है वो भी उसके बाद सीधे सिविल लाइन फाटक पहुंच गए। जी बिल्कुल, तो ऐश्वर्य एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो है शिविरों का आयोजन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का इस तरीके का विरोध, राजनीति पूरी तरीके से प्रदेश में गर्मा गई है अब किसानों के मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है और अब किसानों के इश्यू को लेकर भाजपा ने जो प्लान किया था वो प्लान जो है भाजपा का अभी इस वक्त जो भीड़ का आकलन था, हालांकि भीड़ जो है उसका आकलन मोटे तौर पर 2000 की संख्या मानी जा सकती है, लेकिन चारों तरफ फैली हुई भीड़ है। थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी संख्या में कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भीड़ आई, लेकिन प्रत्येक मंडल से 500 कार्यकर्ताओं का दावा किया था और जयपुर शहर और देहात जो है उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर
बुलाया गया था। बसें जो है वो लगातार रवाना हो रही है। मेरे कैमरा साथी रामनिवास लगातार बसों की रवानगी के शॉट और उनके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी के गिरफ्तारी के शॉट तमाम विजुअल लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन विजुअलों में बसों की छतों के ऊपर भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। अब सिविल लाइन फाटक है, वहां से कूच कर चुके हैं। सिविल लाइन फाटक पर अब वैसी स्थिति नहीं है क्योंकि सिंबॉलिक ये प्रदर्शन था सिविल लाइन फाटक को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने रोका तो उसके बाद पुलिस ने सबसे पहली गिरफ्तारी मदनलाल सैनी की दी। मदनलाल सैनी खुद आए और अपनी गिरफ्तारी दी और उसके बाद एक एक करके भाजपा के तमाम जो नेता है वो गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ने लगे और गिरफ्तारी वो दे चुके। रामनिवास गुर्जर जो है वो लगातार इन चित्रों को इन शॉर्ट को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। आप देख सकते हैं कि पहली बस जो है वो रवाना हो चुकी है। पहली बस में मदनलाल सैनी, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी और तमाम नेता मौजूद रहे। अब दो अन्य बसें हैं, ये जो बसें हैं ये भी आप बखूबी देख पा रहे हैं कि अन्य बसों की क्या स्थिति है और किस तरीके से लोग जो है वो बसों में चढ़े हुए हैं। बसों की रवानगी की जा चुकी है और नेता जो है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में तमाम जो भाजपा के, लेकिन ऐश्वर्य जिस तरीके से अभी हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, बसों की संख्या भी काफी ज्यादा है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ इस आंदोलन में अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए जो अंदाजा था उस अंदाजे से परे यहाँ पर स्थिति दिखाई दी। अंदाजा था महज 1000 के आसपास कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन ठीक संख्या मानी जा सकती है। हालांकि बड़ा जो दावा किया वो दावा पूरा नहीं हो सका। इन्होंने कहा 4-5 हजार की संख्या में पहुंचेंगे। हम मदनलाल सैनी से भी मुखातिब होंगे। मदनलाल सैनी जो है वो हमारे कैमरे पर है, हम उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ करने की बात कही थी। आज 1.5 महीना होने के बाद भी कर्जा माफ नहीं किया गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों का कर्जा संपूर्ण माफ करे इसके लिए हमने 28 तारीख को जनवरी को और बड़ा ज्ञापन और प्रदर्शन किया था, फिर भी सरकार चेती नहीं किसानों का कर्जा माफ, इसलिए हमने 8 तारीख का ये आंदोलन जेल भरो आंदोलन शुरू किया था। उसी के अंतर्गत आज हम सभी जिलों में और जेलों में जा रहे हैं किसानों। तो आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदनलाल सैनी, उन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारी दी है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जयपुर से लाइव तस्वीरें, जहां सिविल लाइन्स फाटक पर पहुंचे हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता और बैरिकेड्स को तोड़कर भी ये आगे घुस गए। हालांकि धक्का मुक्की की स्थिति भी यहां पर नजर आई और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, अभी हमने मदनलाल सैनी को भी सुना, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि आसानी से ये मुद्दा हाथ से जाने नहीं देने वाली है बीजेपी, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव भी हैं। विधानसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को, लेकिन अगला चुनाव जो है लोकसभा का है। देखिए खुद योगेश दादी जी जो हैं वो यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस इलाके की जिम्मेदारी इन्हें दी और योगेश दादी प्यार से तमाम लोगों को समझा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को, और पुलिस के अन्य अधिकारी हैं वो भी लगातार व्यवस्था बनाए हुए हैं कि किसी तरीके की कोई हिंसा जैसी स्थिति ना हो, किसी कार्यकर्ता को कोई चोट ना पहुंचे, इस बात का प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है। यहाँ पर प्रशासन की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इस बात में कोई दोराय नहीं कि किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई। एक कार्यकर्ता का हाथ टूटा, लेकिन उस हाथ टूटने के पीछे भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं की ही कमी थी। अन्य कार्यकर्ता यदि धक्का नहीं देते तो उसका हाथ नहीं टूटता। बिल्कुल ऐश्वर्य, और कहां पर इन कार्यकर्ताओं को ले जाया जाएगा जो बसों में भरे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं?
देखिए इन कार्यकर्ताओं को एक फिलहाल माना जा रहा है कि सिंबॉलिक तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद इन्हें छोड़ा जाएगा। तो क्या ये सिंबॉलिक रहेगा या फिर बाकायदा इनकी जमानत ली जाएगी, क्या कुछ रहेगा, या सामान्य तौर पर पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर छोड़ देगी? आप यह देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बसें हैं ये रवाना हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के पास का ये नज़ारा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से भाजपा प्रदेश कार्यालय। ये देख सकते हैं कि बसों की छतों पर ये देखिए नारे किस आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं बसों की छतों पर कुछ कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। तमाम कार्यकर्ता यहां आपको दिखाई देंगे। एक बस और रवाना हो चुकी है, कुछ युवा कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। रजनीश क्या कहोगे? जीजा साला चोर, गली गली में चोर है, अशोक गहलोत चोर है, जो कार्यकर्ता है इनको बाहर ले जाकर छोड़ा जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि गिरफ्तारी देने के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उन्हें बाद में छोड़ देंगे, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़कर राजमहल चौराहे पर ही पुलिस ने जो बैरिकेट्स लगाए थे उन्हें भी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम थे वो माकूल ही नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक जो कार्यकर्ता थी महिला कार्यकर्ता वो यहाँ पर उसके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो यहाँ पर उस तरीके के माकूल तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बसों के ऊपर तक चढ़ गए हैं, लगातार नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। तो एक तरफ प्रदेश सरकार जो है शिविर लगाकर कर्ज माफी का ऐलान जिस तरीके से किया गया राज्य सरकार की तरफ से, आज चेक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, कल एक दिन समाप्त हो चुका है शिविर का, और आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वो भी सांचौर पहुंच रहे हैं, वहां वो चेक बांटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये अलग तरीके की तस्वीर, जो बीजेपी की तैयारी, बीजेपी का आज जेल भरो आंदोलन प्रदेश भर में नजर आ रहा है और सड़कों पर उतरते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दौसा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की तस्वीर, जहां हाथों में बैनर पोस्टर और झंडे लेकर ये लोग सड़कों पर विरोध जाहिर कर रहे हैं और आरोप यही कि वादा खिलाफी की गई है, किसानों के साथ आंकड़े नहीं बताए गए हैं कि कितना कर्जा माफ किया गया है, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से। और आपको बता दें कि जो मदन लाल सैनी हैं उन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारी दी और सिविल लाइंस पर उन्होंने गिरफ्तारी दी है जाकर। और दौसा की अगर हम बात करें तो दौसा में भाजयुमों ने कलेक्ट्रेट में किया है घुसने का प्रयास और कुछ पदाधिकारी घुसे हैं कलेक्ट्रेट में, पुलिस के साथ यहां धक्का मुक्की भी देखी गई है, बाद में पुलिस ने निकाला है कलेक्ट्रेट से बाहर और अब गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हैं बसों में। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी का प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन देखने को मिल रहा है, जहां अलग अलग तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता, कहीं छतों पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बसों के ऊपर, तो कहीं हाथों में बैनर पोस्टर और झंडे लेकर ये लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। खासतौर पर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है कि किसानों के कर्ज माफी का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, ये जो तस्वीरें जयपुर की दिखाई दे रही है, सिर्फ महज जयपुर की नहीं बल्कि प्रदेश भर में आज ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां कहीं प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हो रही है तो कहीं सड़कों से लेकर छतों तक पर चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। राजनीति का सिद्धांत है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी तरीके की लाठी नहीं बरसाई गई है, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा आंदोलन रहा है। हम पहले भी कहते रहे थे कि एक जो भाजपा की कार्यकर्ता है जो कार्यकर्ता गिरी उसे अन्य कार्यकर्ताओं ने ही धक्का दिया था, वास्तविकता यही है, क्योंकि वो जोश में थी और बैरिकेडिंग को तोड़कर सिविल लाइन फाटक के जाना चाहते थे। एक और तस्वीर आपके सामने है कि एक और बस रवाना होकर आगे की तरफ जा रही है, इस बस में भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बिल्कुल ऐश्वर्य, और जब इस तरीके की जो प्रदर्शन होते हैं इसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता होते हैं उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा मौजूद हैं। देखिए
कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ पर इसलिए भी ज्यादा दिखाई दे रही है कि युवा मोर्चा जो है वो खास तौर पर अभी फिलहाल युवा मोर्चा ही ऐसे आंदोलनों में ज्यादा एक्टिव दिखता है, क्योंकि बुजुर्ग कार्यकर्ता जो है वो बखूबी जानते हैं कि भाग दौड़ और पुलिस से रस्साकशी के बीच में पुलिस से के साथ झड़प वो नहीं कर पाएंगे और उन्हें भी दूर कर दिया जाता है, पार्टी का सामान्य सिद्धांत होता है। अलग अलग स्थानों के लिए बसें रवाना हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं राजमहल चौराहे पर। राजमहल चौराहे से बसें अलग अलग स्थानों की तरफ जाते हुए जहां पर कि इन्हें इनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, तो बसों की रवानगी यहां से हो रही है और अलग अलग इलाकों पर ले जाकर इनको छोड़ दिया जाएगा। जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है तो प्रशासन के जो इंतजाम है वो भी आप देख सकते हैं। विरोध तो यहाँ हो रहा है लेकिन प्रशासन की तरफ से कहीं कोई चूक नहीं, कहीं कोई कमी नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर उतरे हैं, वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भी आज गिरफ्तारी दी है, उनके साथ तमाम नेता भी मौजूद हैं जो कि, और कितनी बड़ी संख्या में जो ये युवा कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो आप देख सकते हैं। बसों में भरकर इन्हें यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। बैरिकेडिंग तोड़कर राजमहल चौराहे से पहुंचे हैं सिविल लाइंस फाटक और उसके बाद यहां गिरफ्तारी देकर अब इन बसों की रवानगी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मिशन 25 इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन किसानों का जो एक अहम मुद्दा प्रदेश में छाया हुआ है उसको हर कोई भुनाने में जुटा हुआ है। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं जानकारी देने के लिए।